हेलो वाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो वही शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपकमिंग एपिसोड में बागा ने गोकुलधाम सोसाइटी में आकर सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया। यानी कि अब तक गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर्स ने किसी भी तरीके से प्लान को संभाले हुए थे। यानी कि भोगीलाल को डाउट तो हुआ था कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ है, बट गोकुलधाम के मेंबर्स ने अपनी बातों में लगाकर भोगीलाल को उन सभी चीजों से डाइवर्ट कर दिया। लेकिन वही इसके बाद एंट्री मारी है बागा ने, एंड बागा को देखते ही भोगीलाल सब कुछ समझ चुका है। एंड वही आने वाली स्टोरी में यहाँ पर भोगीलाल जेठाल की प्रॉपर्टी के कागज लेके भाग जाता है, एंड इसी के साथ साथ जेठाल के 50 लाख रुपए भी अभी तक भोगीलाल के पास में ही है। और वहीं दूसरी ओर भोगीलाल ने चालू पांडे के पास कॉल करके जेठाल को और फंसा दिया। वेल गाइस, अभी तक प्लान पूरा बिगड़ा नहीं है क्योंकि यहाँ पे सुंदरलाल ने एक बहुत बड़ी चाल चली थी। गाइस, यहाँ पे सुंदरलाल ने कैमरास एंड माइक्रोफोन फिट किए हुए थे जिसमें कि भोगीलाल की सारी काली करतूत सामने आ चुकी है। यानी कि सारा का सारा सच इस समय पर कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है कि कैसे भोगीलाल ने तारक मेहता पर बंदूक तानी एंड कैसे भोगीलाल जेठाल के 50 लाख रुपए एंड जमीन के कागज लेके भाग गया है।